तो दोस्तों अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो दोनों लैपटॉप काफी प्रीमियम लुक में मिलने वाले हैं, जो कि स्लीक डिजाइन होगा और काफी लाइट वेटेड भी होगा। तो दोस्तों अगर हम इन नॉन 2-in-1 कीबोर्ड्स की बात करें तो इसमें बिल्कुल फ्लैट कीबोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपके टच पे कीबोर्ड के प्रिंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 512 GB की SSD, जो कि NVMe SSD होगी, जिसको आप इजीली तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही XPS सीरीज के प्रीमियम मॉडल की। दोस्तों जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम कोई लेटेस्ट चीज परचेज करें जिसका लुक काफी इंप्रेसिव हो, एलिगेंट हो और साथ साथ स्टाइलिश भी हो और ड्यूरेबल भी हो, जिससे आप अपने बेटर आउटलुक देने के साथ साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट कर सकें। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ स्टाइलिश लैपटॉप आज हमारे पास आ चुका है, जो की लुक वाइज काफी इंप्रेसिव होगा, एलिगेंट होगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो काफी प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ स्टाइलिश भी होगा। अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल लैपटॉप होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास दो वेरिएंट है, मॉडल तो एक है बट वेरिएंट्स आपको दो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बिजनेस क्लास लैपटॉप में ऐसे कई सारे मॉडल्स हैं जिसका मॉडल एक होता है बट वेरिएंट्स आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो एज पर आवर कंफर्ट अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा वाला वेरिएंट परचेज करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेल XPS 7390 के बारे में। तो दोस्तों दो वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है डेल XPS 7390 का, जो कि एक नॉन 2-in-1 मॉडल है डेल XPS 7390, और जो सेकंड है हमारे पास है वो डेल XPS 7390 2 in 1 होने वाला है, जो कि 360 डिग्री फोल्डेबल है। आप इसको एज अ लैपटॉप, एज अ टैब दोनों यूज कर सकते हैं। एज पर माय प्रीवियस वीडियो हमने बात करी थी डेल XPS 7390 2 in 1 के बारे में, तो आज हमारे पास दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो आज हम दोनों मॉडल्स के बारे में आपको बताएंगे और साथ साथ डिफरेंशिएट भी करेंगे कि इन दोनों मॉडल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो दोनों लैपटॉप काफी प्रीमियम लुक में मिलने वाले हैं, जो कि स्लीक डिजाइन होगा और काफी लाइट वेटेड भी होगा, और दोनों लैपटॉप एल्युमिनियम मेड में मिलने वाले हैं, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इन दोनों लैपटॉप में 1.3 kg का वेट आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम 2-in-1 वेरिएंट्स की बात करें तो साइड एजेस आपको डायमंड कट एजेस में मिलने वाला है, जिससे इसका लुक और भी ज्यादा एलिगेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों वेरिएंट्स के डिस्प्ले की बात करें तो इन दोनों वेरिएंट्स में आपको बेजललेस डिस्प्ले मिलता है, जो कि 4K डिस्प्ले होगा। 13.3 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग होने वाला है। साथ साथ ये आपको टच स्क्रीन में भी मिलने वाला है। अगर हम नॉन 2-in-1 की बात करें तो नॉन 2-in-1 मॉडल में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। अगर हम 2-in-1 मॉडल की बात करें तो 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों वेरिएंट्स में आपको 100% RGB के साथ आपको ये दोनों वेरिएंट्स मिलने वाला है, जिससे आपको कलर्स काफी एक्यूरेट देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात दोस्तों, इन दोनों वेरिएंट्स में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे इसके टच की ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ आपको टॉप में कैमरा देखने को मिल जाएगा इन दोनों वेरिएंट्स में, जो कि एज अ SD कैमरा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम 2-in-1 वेरिएंट की बात करें तो 2-in-1 वेरिएंट 360 डिग्री फोल्डेबल होगा। आप इसको एज अ लैपटॉप, एज अ टैब दोनों यूज कर सकते हैं और साथ साथ ये टच स्क्रीन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इन दोनों वेरिएंट्स के कीबोर्ड्स की बात करें तो इनके कीबोर्ड पाम्स काफी प्रीमियम देखने को मिल जाएगा, जिससे टेक्सचर्स आपको काफी अमेजिंग मिलने वाला है, जिससे इसका लुक और भी ज्यादा इंप्रेसिव होता है। और साथ ही साथ अगर हम इसके कीबोर्ड्स की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि स्पिल रेसिस्टेंस बैकलाइट कीबोर्ड होगा, जिसका टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। और साथ में आपको साइड में पावर बटन देखने को मिल जाएगा, जो कि एज अ फिंगरप्रिंट भी वर्क होता है, तो जिससे आप अनलॉकिंग इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इन नॉन 2-in-1 कीबोर्ड्स की बात करें तो इसमें बिल्कुल फ्लैट कीबोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपके टच पे कीबोर्ड के प्रिंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको स्पिल रेसिस्टेंस बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिससे टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको काफी स्मूथ मिलने वाला है। टॉप में इसमें आपको पावर बटन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एज अ पावर बटन और फिंगरप्रिंट दोनों वर्क यूज होता है। अगर हम दोनों वेरिएंट्स के ट्रैक पैड की बात करें तो इन दोनों वेरिएंट्स में आपको कार्बन फाइबर कोटेड ट्रैक पैड देखने को मिल जाएगा, जिसकी ट्रैकिंग स्पीड काफी जबरदस्त मिलने वाली है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इनके स्पीकर की। तो स्पीकर की बात करें तो नॉन 2-in-1 वेरिएंट में आपको साइड में स्पीकर्स देखने को मिल जाएगा जिसकी साउंड क्वालिटी काफी रिच और लाउड होने वाली है। अगर हम 2 in 1 वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको बैक साइड में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा जिसकी साउंड क्वालिटी काफी अमेजिंग और लाउड होने वाली है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके पोर्ट्स की। राइट साइड में आपको मिलने वाला है एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, एक थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एसडी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो एक आपको किंगस्टन लॉक देखने को मिल जाएगा, साथ साथ आप 2 थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिलेगा और साथ साथ आपको बैटरी इंडिकेटर बटन भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम 2 in 1 वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड में आपको एक थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक एसडी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा और साथ साथ अगर हम राइट साइड की बात करें तो एक आपको थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिल जाएगा, साथ साथ 3.5 mm का जैक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इनके पावर एडेप्टर्स और बैटरी की। अगर हम इसके पावर एडेप्टर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 65 वॉट का सी टाइप का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर जो कि 30 मिनट में 50% से प्लस चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों वेरिएंट्स की बैटरी की बात करें तो इन दोनों वेरिएंट्स में आपको 51 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगा जो कि 4 सेल की बैटरी होगी, जो कि इन लैपटॉप के हिसाब से काफी ड्यूरेबल बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन की। तो इन दोनों वेरिएंट्स में आपको i7 के प्रोसेसर मिलने वाले हैं जो कि vPro प्रोसेसर हो गए। अगर हम नॉन 2 in 1 की बात करें तो 10710U का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है जिसकी प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो 4.7 गीगाहर्ट्ज तक आपको प्रोसेसर स्पीड देखने को मिल जाएगा। अगर हम इनके कोर्स की बात करें तो 6 कोर का प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम 2 in 1 की बात करें तो इसमें आपको मिलता है इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर जो कि vPro प्रोसेसर होगा। इसमें आपको 1065G7 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो 4.9 गीगाहर्ट्ज तक आपको प्रोसेसर स्पीड देखने को मिल जाएगा जो कि 4 कोर का होगा। अगर हम इनके रैम की बात करें तो नॉन 2 in 1 मॉडल में 16 GB की DDR4 रैम आपको मिलने वाली जो कि ऑन बोर्ड होगी, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। सेम इस लैपटॉप में आपको ऑन बोर्ड रैम मिलने वाली जो कि 16 GB की DDR4 रैम होगी, इसको भी आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 512 GB की SSD जो कि NVMe SSD होगी, जिसको आप इजिली तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हम 2 in 1 वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 512 GB मिलने वाली है जो कि ऑन बोर्ड SSD होगी, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों वेरिएंट्स के ग्राफिक की। तो अगर हम नॉन 2 in 1 वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको UHD ग्राफिक देखने को मिल जाएगा जो कि अगर हम 2 in 1 वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको इंटेल का रीज ग्राफिक देखने को मिल जाएगा जो कि इन दोनों वेरिएंट्स का एज अ वर्चुअल ग्राफिक वर्क करेगा। तो दोस्तों अगर हम दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस की बात करें तो इन दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंस ये निकल के आता है कि ये नॉन 2 in 1 वेरिएंट आपको 360 डिग्री फोल्डेबल जो कि आप इसको एज अ रोटेट करके आप एज अ टैब यूज नहीं कर सकते हैं। साथ साथ आपको प्रोसेसर में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। नॉन 2 in वेरिएंट में आपको U सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 2 in 1 मॉडल में आपको G सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्राइसिंग का भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर हम नॉन 2 in वेरिएंट की बात करें तो कोर i7 10 जनरेशन 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ आपको 49,000 रुपीज में देखने को मिल जाएगा और अगर हम 2 in 1 वेरिएंट की बात करें तो कोर i7 10 जनरेशन 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ आपको 55,000 रुपीज में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके के प्रीमियम हाई क्लास के लैपटॉप्स परचेज करने के लिए जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक दिन की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और आपको कोई बेस्ट डील मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं एक बारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग जरूर कंफर्म कर लें बिकॉज एज पर मार्केट ट्रेंड प्राइजेस अप भी होते हैं और प्राइजेस ड्रॉप भी होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के प्रीमियम हाई क्लास के XPS सीरीज के अदर प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप्स को परचेज करने के लिए जल्दी से जल्दी हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999 62579।